आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोलोस्टोमी से जितने भी क्वेश्चन आए हो आज सारे अपने देखेंगे। तो कोलोस्टोमी, इरिगेशन, नर्सिंग केयर क्या करते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने आज डिस्कशन करेंगे। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन आपको पता होता है, कोलोन के अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग करके क्या करते हैं, कोलोन के अंदर ओपनिंग करके अपने क्या करते हैं, एक स्टोमा डाल देते हैं, क्या करते हैं, स्टोमा डाल देते हैं, और उसी के थ्रू क्या करते हैं, बाउल को क्लीन करते हैं, बाउल को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है। तो कोलोस्टोमी मीन द ओपनिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ कोलोन थ्रू द इंटीरियर एब्डोमेन वॉल टू इट्स स्किन सरफेस। सिंपल सी बात बोली उन्होंने, कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है, अपने ओपनिंग करते हैं किसमें, कोलोन के अंदर, कहां से, इंटीरियर एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी है इसके अपर साइड से अपने क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है बच्चे कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन का मतलब होता है कोलोन को वाश आउट करना, कोलोन को एम्प्टी करना। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन इज ए वे टू रेगुलेट बाउल मूवमेंट बाई एम्प्टिंग द कोलोन एट शेड्यूल्ड टाइम। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या होता है, पर्टिकुलर फिक्स टाइम के ऊपर अपने क्या करते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन पर्सनों में क्या होता है, मान लो कि कोई सर्जरी होगी, कैंसर हो गई, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मली स्टूल पास आउट नहीं हो पाता है, तो अपने क्या करते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन के थ्रू अपने क्या करते हैं, नॉर्मली कोलोन को एम्प्टी करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकलता है पहला, पोजिशन ड्यूरिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन। जब भी आप कोलोस्टोमी करते हो, क्वेश्चन देते हैं, तो आपको बताया था मैंने, एब्डोमेन कैविटी में इस टाइप का स्टोमा लगा देते हैं, जैसा कि आपको छोटा सा डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, स्टोमा लगा देते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर, और यहाँ पे क्या होती है, एनिमा कैन दिख रही है आपको, जैसे कि इरिगेशन कैन बोलते हैं इसको, इसके अंदर फ्लूड लेते हैं और ट्यूब को किससे कनेक्ट कर लेते हैं, एनिमा कैन से कनेक्ट करके, और नॉर्मली कहाँ पे होती है, सीटिंग पोजीशन है, नॉर्मली टॉयलेट के अंदर अपने नॉर्मली पेशेंट को बोलते हैं कि सीटिंग पोजीशन में आप बैठ के इसका नॉर्मली क्या है, कोलोन इरिगेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे दो क्वेश्चन आते हैं, जब भी कोलोन इरिगेशन करते हैं तो पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट प्रियोरिटी की पोजीशन है मानी जाती है, जो मोस्ट कॉमन यूज बोलते हैं, तो सीटिंग पोजीशन, अगर सीटिंग ऑप्शन में नहीं है देन सेकंड प्रियोरिटी किसको देते हैं, अपने पाउलर पोजीशन को देते हैं सेकंड प्रियोरिटी। तो दोनों क्लियर आपका। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कौन सी कंडीशन में नहीं करते, कौन सी कंडीशन में अपने कोलोस्टोमी इरिगेशन नहीं करेंगे, तो बात आती है डायरिया, बात आती है डायरिया, क्या रह गया तमन्ना, क्या रह गया बच्चे में, दो ही चीजें तो बताइए, सीटिंग पोजीशन फर्स्ट और पाउलर पोजीशन सेकंड प्रियोरिटी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर रहे हैं अपने, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी कंडीशन में माना जाता है, डायरिया के अंदर माना जाता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच ड्रग प्रोसीजर और सर्जरी शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू दी पेशेंट। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब आपको बता हो गया, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना तो अपने ड्रग दे सकते हैं, ना कोई प्रोसीजर कर सकते हैं, ना कोई सर्जरी कर सकते हैं, तो वो आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो गया, डायरिया, क्योंकि डायरिया में ऑलरेडी क्या होता है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। अगर आप डायरिया की कंडीशन में अगर आप कोलोस्टोमी इरिगेशन करोगे, वहां पे फर्दर क्या होगा, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने के चांस वो ज्यादा हो जाएंगे। बात करें बच्चे टाइप ऑफ कोलोस्टोमी की, तो नॉर्मली कोलोस्टोमी होती है वो दो टाइप की होती है, नॉर्मली कोलोस्टोमी अपने दो टाइप की पढ़ते हैं, एक वेट कोलोस्टोमी और दूसरी पढ़ेंगे अपने ड्राई कोलोस्टोमी, एक पढ़ते अपने वेट और दूसरी पढ़ते हैं ड्राई। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ वेट कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी ऑन राइट साइड ऑफ दी कोलोन पास लिक्विड स्टूल। नॉर्मली वेट कोलोस्टोमी क्या करते हैं, कोलोन राइट साइड का जो कोलोन है, आपको अच्छी तरह पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके अलावा बात करें अपने लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, देन राइट साइड में असेंडिंग कोलोन, लीवर के पास पूछते ही ट्रांसवर कोलोन, इधर स्प्लीन के पास पूछते ही डिसेंडिंग कोलोन है, और लेफ्ट में नीचे क्या जाता है, सिग्मोइड कोलोन, एनल कैनाल, देन इनस।
तो राइट साइड में जब भी अपने कोलोस्टोमी करते हैं तो किस टाइप का स्टूल आता है ये बात ध्यान रखना, लिक्विड स्टूल आता है। और इनसीजन आर मेक इन असेंडिंग कॉलोन, कहाँ पे की जाती है वेट कोलोस्टोमी, असेंडिंग कॉलोन में की जाती है। असेंडिंग कोलोस्टोमी इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी कोलोस्टोमी। टेम्परेरी कोलोस्टोमी का मतलब होता है दो टाइप की होती है, एक परमानेंट कोलोस्टोमी एक टेम्परेरी। जब अपने असेंडिंग कोलोन में ओपनिंग करके स्टोमा इंसर्ट कर देते हैं वो टाइप तो होता है वेट कोलोस्टोमी का, लेकिन वो अपने परमानेंट नहीं रखते, 6 से 8 वीक तक ही नॉर्मली क्या करते हैं असेंडिंग कोलोन में 6 से 8 वीक तक ही ओपनिंग करके रखते हैं। अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रखना होता है देन अपने क्या कौन सी करते हैं ड्राई कोलोस्टोमी करते हैं। भी वेट कोलोस्टोमी लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है कि लिक्विड स्टूल पास आउट होता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांस क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो वेट कोलोस्टोमी में नेक्स्ट है ओपनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द अब्डोमन। तो अब्डोमन के कहां पे ओपनिंग करते हैं, राइट साइड में करते हैं। तो सीधी बात है राइट साइड में कौन सा कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन है, और असेंडिंग कोलोन में अपने क्या करते हैं ओपनिंग करते हैं, जिनको बोलते हैं वेट कोलोस्टोमी। तो क्लियर हो चुका होगा वेट कोलोस्टोमी हमेशा राइट साइड में करते हैं। स्टूल किस टाइप का पास आउट होता है, इसमें लिक्विड स्टूल पास आउट होता है। कौन से कोलोन में करते हैं, तो असेंडिंग कोलोन में करते हैं। टेम्परेरी टाइप की कहलाती है वेट है, क्योंकि अपने 6 से 8 वीक तक ही इसको नॉर्मली यूज करते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक करना होता है देन ड्राई कोलोस्टोमी अपने करते हैं। तो ड्राई कोलोस्टोमी की बात करें तो सिग्मोइड कोलोन मेनली यूज कोलोस्टोमी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कोलोन। तो ड्राई कोलोस्टोमी हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर की जाती है, और लेफ्ट साइड के अंदर देखें तो डिसेंडिंग कोलोन में भी कर सकते हैं, सिग्मोइड कोलोन में भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होती है कोलोस्टोमी की, ये बात दिमाग में बिठा लेना, हमेशा सिग्मोइड कोलोन होता है। सिग्मोइड कोलोन के अंदर क्या करते हैं मोस्ट कॉमन साइड, और कोलोस्टोमी भी पूछे आपसे मोस्ट कॉमन साइड कोलोस्टोमी पूछे तो आपका जाएगा सिग्मोइड कोलोन है। और इसमें स्टूल किस टाइप का आता है, ड्राई स्टूल आता है। और अगर यहाँ पे बात करें परमानेंट कोलोस्टोमी तो ये ड्राई कोलोस्टोमी को ही परमानेंट बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन साइट यूज करते हैं अपने सिग्मोइड कोलोन है। कहाँ पे ओपनिंग करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ दी अब्डोमन है, बोले तो सिग्मोइड कोलोन के अंदर नॉर्मली करते हैं। तो यहां तक क्लियर है, ड्राई और वेट में दोनों का डिफरेंस क्लियर है सबको। ठीक है, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, आज कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी क्लास में, क्योंकि क्लास से 88 स्टूडेंट ऐप से बाहर हो चुके हैं। इतने ही स्टूडेंट बाहर और हो जाएंगे आज लेट शाम तक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। ऐप नहीं चलेगा, मैं यहाँ से आपको एक्टिवेट करूँगा दोबारा तभी चलेगा, चाहे आप दूसरे नंबर लगा के करना चाहे ट्राई कर लेना, ऐप नहीं चलेगा अगर आपका फ्रेंड पूछे आपसे। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो अपना एडमिशन करवा लेना, नई क्लास से वंचित रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल, ए सेमी सॉलिड, बी लिक्विड, सी सेमी लिक्विड, डी सॉलिड फॉर्म, सॉलिड या सॉफ्ट फॉर्म। क्या जाएगा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन एक छोटे से एग्जाम में आया हुआ था, आपके सामने मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चे, प्रिक्वेशन एंड नर्सिंग रोल बिफोर कोलोस्टोमी, क्या क्या सावधानी रखनी होती है, क्या एक स्टाफ नर्स का नर्सिंग ऑफिस का रोल होता है जब भी अपने कोलोस्टोमी करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कंसेंट कलेक्शन, जो रिटर्न में कंसेंट लेते हैं वो लेते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करवाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हाई फाइबर डाइट फॉर 2 to 3 days बिफोर प्रोसीजर। यहाँ पे ज्यादा फाइबर डाइट नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा फाइबर डाइट देने से डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो अपने डाइट मॉडिफिकेशन में अपने क्या देंगे, लो फाइबर डाइट नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोवाइड लो फाइबर डाइट। इसके अलावा एनबीएम का मतलब है बच्चे नथिंग बाई माउथ 8 hours before procedure to prevent risk of aspiration during general
एनास्थेसिया। तो आपको बेटा जनरल एनास्थेसिया अपने को देना पड़ता है क्योंकि अपने कोलोन में ओपनिंग करते हैं, तो एनास्थेटिक इफेक्ट होता है कि कार्डियक स्पेक्ट्रम लूज हो जाता है, तो वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। तो अपने वोमिटिंग ना हो इसलिए अपने पेशेंट को क्या रखते हैं, 8 आवर पहले NBMB रखते हैं। ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट इज कलेक्टेड बाय नर्स। आज जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाया उनकी रिपोर्ट है वो पेशेंट से आप कलेक्ट कर लोगे जब भी अपने कोलोस्टोमी करते हैं। इसके अंदर CBC भी करवा के देखते हैं एंड अदर जिस तरह से डॉक्टर बोलता है अपने सारी रिपोर्ट है वो अपने क्या कर लेते हैं, पहले कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा साइट, क्योंकि आपने जो बात बतानी थी वो बता दी है, क्या बात बतानी थी, हाई फाइबर डाइट बंद करती है, लो फाइबर स्टार्ट करते हैं, NPM रखना होता है, जो भी रिपोर्ट थी वो आपने पहले कलेक्ट कर ली और पेशेंट को क्या लेते हैं, कंसेंट ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, साइट को प्रिपेयर करेंगे। साइट को प्रिपेयर करेंगे जस्ट बिलो द निप्पल टू मिड थाई। ये साइट को क्लीन करने का तरीका है, कहाँ से कहाँ तक क्लीन करते हैं जब अपने कोलोस्टोमी करते हैं, निप्पल से लेके मिड थाई तक क्या करते हैं अपने नॉर्मली क्लीन करते हैं, और सॉल्यूशन क्या लेते हैं, बीटाडीन लेते हैं 7.5% है, और स्क्रब करके अपने क्या करते हैं, साइट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आता है बच्चे यहाँ पे, व्हाट इज द बेस्ट टाइम प्रिपेयर द पार्ट बिफोर सर्जरी। आप आने देखा है नहीं कि साइट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा, मैंने 4 ऑप्शन नाम देख के डायरेक्ट आंसर दे दिए यहाँ पे, बिफोर 30 मिनट, बिकॉज डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो जब भी अपने क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, उससे 30 मिनट पहले क्या कर देंगे, साइट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीट एग्जाम का आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आया हुआ बच्चे यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा आपको, मोस्ट कॉमन साइट फॉर है कोलोस्टोमी। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, वन लाइन सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। इसके अलावा इंसर्ट कैथेटर, कितना इंसर्ट करते हैं स्टोमा के अंदर, जो आपको टू दिख रही है कैथेटर है, वो कितना इंसर्ट करते हैं, ये एम्स, PGI, ESI और बहुत सारे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितना इंसर्ट करते हैं आप बताओगे, 3 to 4 इंच नॉर्मली इंसर्ट करते हैं, 10 सेंटीमीटर क्या करते हैं अपने इंसर्ट करते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो 3 क्वेश्चन में कंटिन्यू आपको बता दी यहाँ पे। इसके अलावा स्टोमा, जो यहाँ पे स्टोमा अपने ओपनिंग करते हैं उसका नॉर्मल कलर क्या होता है, पेल पिंक स्टोमा हो जाए तो क्या इंडिकेट करता है। अगर स्टोमा जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है स्टोमा, यहाँ पे उन्होंने जैसे कि आप सेल्फी लेते हो ना हार्ट बना के, इस सेल्फी के बीच में दिख रहा आपको रेड कलर का, तो ये स्टोमा ओपनिंग की हुई वो साइड दिखा रखी है। तो नॉर्मल स्टोमा कलर क्या होता है, तो नॉर्मल बात करें तो पिंक टू ब्राइट रेड होता है। क्या होता है, पिंक टू ब्राइट रेड होता है। बात करें अपने अगर स्टोमा का कलर पेल पिंक स्टोमा हो जाए, पेल पिंक कलर का स्टोमा दिखने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल है वो अपने कम मानते हैं। अगर स्टोमा का कलर पर्पल ब्लैक कलर हो जाए तो अपने क्या मानेंगे, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, उस साइट पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये आपको स्टोमा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको बता दिए है। क्या बताया आपको, नॉर्मल बच्चे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। नॉर्मल स्टोमा कलर पूछा जाता है, पिंक टू ब्राइट रेड होता है, पेल पिंक स्टोमा क्या इंडिकेट करता है, एम्स ने पूछा था लास्ट एग्जाम में, लो हीमोग्लोबिन, पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा है ये क्या इंडिकेट करता है, तो कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तब स्टोमा का कलर क्या हो जाता है, पर्पल ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, एक आपको कितना इंसर्ट करते हैं ये 4th क्वेश्चन, और मोस्ट कॉमन साइट है कोलोस्टोमी 5th क्वेश्चन है, और कब प्रिपेयर करते हैं ये 6th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नॉर्मली बता दिए हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ स्टोमा फॉर्मेशन, कौन सी कंडीशन में अपने क्या करते हैं स्टोमा करना पड़ता है, तो पहली तो बात होगी कोलोरेक्टल कैंसर, रेक्टल की क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, क्रोनिक कैंसर है, कोलाइटिस क्रोनिक कैंसर हो गई जिनकी वजह से कोलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन हो जाता है, या क्रोहन डिजीज है, ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो ओरल कैविटी से लेकर एनस तक कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइट होती है क्रोन डिजीज की वो कौन सी होती है, एनीबॉडी पढ़ाएंगे आपको क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से बड़े बड़े प्यारे क्वेश्चन आते हैं, स्टूल से रिलेटेड भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्रोन डिजीज, एनीबॉडी, मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? इलियम, राइट, इलियम। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्रोन डिजीज है। नॉर्मली स्मॉल ओरल कैविटी से लेके एनस तक कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बात ध्यान रख लेना, साइट पूछे तो कौन से जाएगा? इलियम जाएगा, इलियम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा भी आपको बात ध्यान रखनी होती है, जब भी आपने देखा था ना कि कोलोन में अपने क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू स्टोमा में इंसर्ट कर देते हैं ट्यूब, और कितना फ्लूड इंसर्ट करते हैं, क्वेश्चन आता है अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूड, कितना फ्लूड है वो आप इंसर्ट करते हो कोलोन में, आपको बताना है 500 से 1000 ml, आपको बताना है 500 से 1000 ml। ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में बार बार आते हैं, जितना मैं हाईलाइट किया ना, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं। आपको सिंपल सा बताएगा, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज इन कोलोस्टोमी इरिगेशन, तो आपका आंसर जाएगा 500 to 1000 ml। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूड दैट इज मेल यूज्ड फॉर कोलोस्टोमी, तो आपका आंसर जाएगा 100 to 105 degree फॉरनहाइट, 100 से 105 degree फॉरनहाइट नॉर्मली क्या माना जाता है, टेम्परेचर माना जाता है। इसके अलावा सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं, ये भी थर्ड कम्पिटेट एग्जाम का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन, सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन है, तो आप क्या बताओगे? टेप वाटर, स्क्रीन विजिबल आपको? ठीक है, विजिबल है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। जो तीन क्वेश्चन बता दिए बच्चे मैंने, एक तो बताता है कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए, पहला ऑप्शन मिलता है आपको स्ट्राइल वाटर, स्ट्राइल वाटर, तो स्ट्राइल वाटर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख लेना। पीते कौन से, नॉर्मल टैप वाटर ही पीते, तो टैप वाटर जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा ल्यूक वारम वाटर, ल्यूक वारम है वाटर। तो तीन यहाँ पे बात ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूड है तो यहाँ पे रहेगा नॉर्मल 500 से 1000 ml, टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूड पूछे तो 100 to 105 degree फारेनहाइट है, सोल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन तो आपको बताना है कितना, सॉल्यूशन यूज कौन से करते हैं तो आप बताओगे टेप वाटर या ल्यूकवार्म वाटर। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आते हैं, दो क्वेश्चन और आते हैं बच्चे, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ इरिगेशन कैन, हाइट ऑफ इरिगेशन कैन, स्टोमा से इरिगेशन कैन, अभी मैंने आपको पिक दिखाई थी, कितनी हाइट होनी चाहिए इरिगेशन कैन की स्टोमा से, कितना ऊपर होना चाहिए तो आप बताओगे इरिगेशन कैन शुड बी 12 to 18 inch अबोव द स्टोमा, स्टोमा से 12 से 18 इंच आपको क्या करना है, स्टोमा से ऊपर रखना होता है। ये कंप्लीट एग्जाम एम्स और पीजीआई के अंदर ये क्वेश्चन आया, टॉपिक छोटा सा, नाम आपको छोटा सा लग रहा है कोलोस्टोमी इरिगेशन, क्वेश्चन इस टॉपिक से काफी निकले हुए हैं। इसके अलावा कीप एनिमा कैन अबोव द शोल्डर लेवल पेशेंट इज सीटिंग, अगर पेशेंट सीटिंग पोजीशन में है तो नॉर्मली शोल्डर लेवल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, लेकिन पर्टिकुलर पुट से हाइट है तो आपका आंसर जाएगा 12 से 18 inch। प्रोसीजर में देखें तो कब करते हैं ये प्रोसीजर, कोलोन को इरिगेशन कब करते हैं, तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, परफॉर्म इरिगेशन प्रीएम्प्टिवली 1 hour आफ्टर ए मील, खाना खाने के 1 घंटे बाद क्या करना होता है, नॉर्मली कोलोस्टोमी इरिगेशन करना होता है, टाइम बिल्कुल अपने फिक्स कर लेते हैं, फिक्स टाइम पे करते हैं, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद करना होता है, खाना खाते ही नहीं करना होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम का, तो आप बता दोगे क्लीन कैसे करते हैं, 30 मिनट पहले क्लीन करते हैं, ये भी ऊपर मैंने बताया था। कोलोस्टोमी केयर मतलब है स्टोमा लगा हुआ उसकी केयर कैसे करेंगे, तो क्लीन द स्टोमक विद 5% बीटाडीन सेंटर टू पेरिफेरल, हमेशा क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, एंड उसके बाद क्लीन करने के बाद अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड, जडनो बोलते हैं जिसको, पाउडर फॉर्म में आता है, अराउंड दी
स्टोमा, स्टोमा के राउंड है जिंक ऑक्साइड का पाउडर लगा देते हैं। फिर काम किया जिंक ऑक्साइड पाउडर का, आप बोलोगे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या करता है फंक्शन इसका रहता है, प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, स्किन को इरिटेशन होने से बचाता है। और मेंटेन सॉफ्ट एंड ड्राई ऑन दी स्टोमा, स्टोमा को क्या करता है सॉफ्ट और ड्राई रखता है। तो ये आपको बात सिंपल सी है, कोलोस्टोमी केयर में क्या आएगा तो सिंपल सा बताना है, बीटाडीन से क्लीन करेंगे, उसके बाद जिंक ऑक्साइड का पाउडर है वो लगा देंगे। और लगाने का फायदा क्या है इसका, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा स्किन इरिटेशन है वो भी नहीं होगा। एक और आता है बच्चे वाफर, वाफर का मतलब होता है कोलोस्टोमी साइड के ऊपर नॉर्मल लगाते हैं और स्टोमा को कवर करने के लिए लगाते हैं। वेफर जैसे कि एडेसी टेप नहीं आती कि कैनूला लगाते हैं, इस टाइप का ये वेफर आता है। और वेफर को नॉर्मली चेंज कब करना होता है, चेंज द वेफर ऑफ कोलोस्टोमी 2 to 3 days, 2 to 3 days बाद क्या करना होता है इसको चेंज करना होता है। नॉर्मली एवरेज टाइम पूछे तो 72 hours, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी जाएगा क्या इसके अंदर है, अगर ऑप्शन में 2 days और 3 days दोनों आ गया तो फर्स्ट प्रियोरिटी आपको किसको देनी है, 3 days को नॉर्मली देनी है। और ध्यान रखना नर्स शुड कट द वेपर 1/8 इन लार्ज देन डायमीटर ऑफ स्टोमा, जो स्टोमा का डायमीटर है उससे 1/8 inch क्या करेंगे थोड़ा बड़ा कट करके अपने लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे अपने, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रेज द पेशेंट, अरेंज मीटिंग ऑफ पेशेंट विद अदर कोलोस्टोमी पेशेंट, क्योंकि कोलोस्टोमी करते ही उसको क्या लगता है कि यार अदर पर्सन, क्योंकि स्मेल मारने लग जाता है और इस वजह से क्या होता है उनकी बॉडी फिटनेस को देखता है, यार मेरे को भगवान ने कौन से दिन दिए, स्टूल भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये कंडीशन है, मेरे से लोग दूरी बनाने लग जाएंगे। तो अदर जो भी कोलोस्टोमी पेशेंट होता है उनके साथ बोले भी कैसे साफ सफाई रखनी होती है, कैसे आपको कोलोस्टोमी इरीगेशन करना होता है, जिससे थोड़ा सा क्या होता है एक बार तो मायूस होता है पेशेंट लेकिन बाद में अपनी डेली एक्टिविटी है वो मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको बताया था सिंपल सा कोलोस्टोमी केयर से रिलेटेड। अब देखो इससे जो क्वेश्चन आए हुए बच्चे, क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देखो, व्हाट इज द रीजन एक्सपेक्टेड है बाय नर्स फॉर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आफ्टर कोलोस्टोमी। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इसलिए प्रोवाइड करते हैं उसकी बॉडी क्या हो गई है, डिस्टर्ब इमेज ऑफ दी बॉडी, पहले जो बॉडी की स्ट्रक्चर थी वो अलग थी, अब बॉडी की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है और इस वजह से क्या होता है अपने को क्या करना पड़ता है, साइकोलॉजी सपोर्ट है प्रोवाइड। सेम क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा, 3 answers और मिलेंगे, 1 answer आपको ये मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको आंसर है ये पुट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है एम्प्टी कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी बैग है, क्योंकि आपने देखो 500 से 1000 ml फ्लूइड डाला है, वो डालने के बाद क्या करना है वापिस निकालना होता है, वापिस निकालना होता है, तो कितना उसमें स्टूल आ जाए, कितना स्टूल प्लस वाटर है आ जाए, तब उस बैग को क्या करना है एम्प्टी करना है। तो ध्यान रखना व्हेन फिल्ड 1/3 level, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी होती है कोलोस्टोमी बैग की, कैपेसिटी कितनी होती है बच्चे, यस एवरीबॉडी, कैपेसिटी ऑफ कोलोस्टोमी बैग सिंपल है बच्चे, जितना फ्लूड डाला उतनी कैपेसिटी होगी ना, तो कैपेसिटी ऑफ कोलोस्टोमी बैग भी पूछा जाता है, आप बताओगे 500 से 1000 ml, तो सिंपल सी बात है कि जब आपने क्या करता है इसको एम्प्टी करना होता है कोलोस्टोमी बैग को, कितना उसमें से 1/3, मतलब 1/3 part इसका फिल हो जाता है कोलोस्टोमी बैग का, तब अपने क्या करते हैं कोलोस्टोमी को क्या करते हैं एम्प्टी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है ध्यान रख लेना, व्हाट इज द ड्यूरेशन नर्स शुड चेंज द कोलोस्टोमी बैग, ये कोलोस्टोमी बैग को भी कितने टाइम बाद चेंज करना होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 72 hours, या ड्यूरेशन देखे तो 3 to 5 days, 3 to 5 days या एवरेज टाइम रहता है अपना 72 hours के बाद कोलोस्टोमी बैग को चेंज करना होता है, अदरवाइज इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा। प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, 3 to 5 आ जाए, 2 to 3 आ जाए, तो आपको प्रायोरिटी देनी है 3rd day को प्रायोरिटी देनी है।
इसके अलावा बच्चे अब यहाँ पे बात करें अपने बावल साउंड आफ्टर कोलोस्टोमी, बावल साउंड आफ्टर कोलोस्टोमी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल बाउल साउंड कितनी होती है। तो नॉर्मल बाउल साउंड 16 पर मिनट आती है। ड्यूरेशन एंड टाइम टू चेक द बाउल साउंड आफ्टर 5 मिनट, हर 5 मिनट बाद अपने क्या करते हैं चेक करते हैं। और साइट रहती है इसकी आल क्वाड्रेंट, आल क्वाड्रेंट कहीं पे भी कर सकते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन साइट है इसकी राइट लोअर क्वाड्रेंट इन इलियोसिकल रीजन, इलियोसिकल रीजन है, इलियोसिकल वॉल है, वहां पे अपने नॉर्मली क्या करते हैं बाउल साउंड है वो चेक करते हैं। जैसे ही बाउल साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद अपने पर्सन को ओरली देना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज अपने नहीं देते हैं। डाइट कब देते हैं नॉर्मली ये भी बात ध्यान रखनी होती है, आफ्टर 72 आवर, 72 घंटे बाद क्या करना होता है डाइट नॉर्मली देनी होती है। इफ बाउल साउंड आर नॉट प्रेजेंट आफ्टर 72 आवर दैट इज अब नॉर्मल फाइंडिंग एंड इनफॉर्म दी डॉक्टर। बहुत ही प्यारी बात बोली है, क्या बात बोली है, अगर बाउल साउंड नॉर्मली 72 घंटे में बाउल साउंड आ जाती है अपने डाइट पेशेंट को दे देते हैं, अगर पेशेंट को बोलता है गैस पास आउट नहीं हो रही है उसके बाउल साउंड नहीं आ रही है तो क्या करना होता है 72 घंटे के बाद अब नॉर्मल फाइंडिंग है और इस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है इन्फॉर्म दी डॉक्टर, इन्फॉर्म दी डॉक्टर। इफ बाउल साउंड प्रेजेंट देन मॉडिफाई दी डाइट, बाउल साउंड प्रेजेंट है तो अपने लिक्विड डाइट टू अपने हार्ड डाइट पे अपने जा सकते हैं। और आफ्टर 72 आवर, आफ्टर 72 आवर नॉर्मल डाइट अपना पेशेंट को देना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो आपका रिलेटेड टू डाइट और रिलेटेड टू बाउल साउंड का। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है अवॉइड डाइट दैट कैन कोज कॉन्स्टिपेशन, वो डाइट अवॉइड करनी है जिससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। केबेज, ओरल आयरन एंड हाई फेट डाइट, केबेज क्या होता है, क्या होता है केबेज भी, पत्ता गोभी, राइट। तो ये तीनों चीज नॉर्मली अपने क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है अभी तक, क्वेश्चन बनेगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, एम्स लेवल का क्वेश्चन जाता है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा भी। आपके पास क्या आएगा भी, एक पेशेंट है उसकी कोलोस्टोमी की हुई है और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर गेस्ट्रो वार्ड में क्या कर रहे हो ड्यूटी कर रहे हो और आपने जज किया कि 72 घंटे बाद बाउल साउंड नहीं आई है, तो आपका पहला ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको फ्लूड दे दो, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप वेट करते रहोगे, तीसरा ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्म दी डॉक्टर, इन्फॉर्म दी डॉक्टर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही प्यारे क्वेश्चन निकलते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के अंदर अपने चलते हैं, यहाँ पे आज बात करेंगे अपने पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम का पहला क्वेश्चन आता है बच्चे नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, ये क्वेश्चन बार बार एम्स में पूछा हुआ है, एम्स बोलो स्टेट गवर्नमेंट बोलो, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 to 5.1 mq per liter, 3.5 to 5.1 mq per liter। इसके अलावा बात करें अपने नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन एमक्यू पर लीटर तो कितना होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ सिंपल सा आपको आंसर मिलेगा 3.5 to 5.1 mq per liter। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चे का हाइपोकैलेमिया, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपोकैलेमिया, आप बताओगे अब नॉर्मली लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लेस देन 3.5 mq per liter इन द ब्लड, एमक्यू पर लीटर इन दी ब्लड, ब्लड में अगर पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम आ जाए उनको अपने हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, 5.1 से ज्यादा चला जाता है उसको अपने हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है वो भी देख लेते हैं, इफ द सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन नॉर्मल द कंडीशन इज नोन एज ए हाइपोकैलेमिया, बी हाइपोनेट्रेमिया, सी हाइपरकैलेमिया एंड डी हाइपर नेट्रेमिया। तो आपको अच्छी तरह से पता है आंसर आएगा इसका ए, क्योंकि आपको पता है। अगर बात करें अपने सी वाले की तो सी जाता, यहाँ पे अगर लेस की जगह बोल देता मोर देन नॉर्मल देन सी जाता,
हाइपोनेटमिया का मतलब होता है सोडियम का लेवल, और सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से 145 होता है, 135 टू 145 mq पर लीटर, दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन योर बॉडी। अगर सोडियम का लेवल 145 से ज़्यादा जाता है उसको हाइपोनेट्रेमिया, और 135 से कम आता है उनको हाइपोनेट्रेमिया के नाम से जानते हैं। कोज क्या है हाइपोकैल्मिया होने का? कोज क्या है? पहला कोज है बच्चे एक्सेस यूज ऑफ डायरेटिक। ज़्यादा डायरेटिक करेंगे तो यूरिन के थ्रू पोटेशियम क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसका और दूसरा कारण के ज्यादा वोमिटिंग या डायरिया हो गया तो भी पोटेशियम का वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट के एनजी ट्यूब लगी हुई है और बार बार आप गैस्ट्रिक लेवाज कर रहे हो उसके अंदर भी क्या होगा? उसके अंदर भी हाइपोकैल्मिया होने के चांस होगा। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम नॉर्मली बाहर है से नहीं ले पाता है डाइट के अंदर, तो भी क्या होगा? पेशेंट लॉन्ग टाइम तक एनपीयू है तो भी पोटेशियम का लेवल कम होगा। इंसुलिन इन्फ्यूजन, ज्यादा इंसुलिन लगाने से भी क्या हो जाता है? पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है इंसुलिन लगाने से? एनीबॉडी टेल मी, इंसुलिन और ये पोटेशियम का क्या फंडा है आपस में? इंसुलिन लगाने से पोटेशियम का लेवल कैसे कम हो जाएगा? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा बताया हुआ ऑफलाइन बच्चों को, ऑनलाइन वालों को आज बता देंगे। तो नॉर्मल इंसुलिन की बात करें या ग्लूकोज की बात करें, ये दोनों का नेचर होता है ये हमेशा सेल के अंदर जाता है। कौन जाता है? इंसुलिन है, ग्लूकोज को लेके सेल में जाता है, और जैसे ही सेल में जाएगा तो सेल के कपाट होते हैं, ओपनिंग होती है, सेल की ओपनिंग हो जाती है। तो जैसे ही सेल में ग्लूकोज जाता है तो साथ साथ क्या होता है? पोटेशियम भी चला जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर चला जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है बच्चे ब्लड, ठीक है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा तो अगर इंसुलिन ज्यादा देंगे तो बाहर जो ब्लड में पोटेशियम होता है वो कहाँ चला जाता है? सेल के अंदर चला जाता है, और ब्लड में पोटेशियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ब्लड में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये तो कोज था सिंपल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट, इंसुलिन इन्फ्यूजन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, कोज नहीं पढ़ाता मैं इस एक इंसुलिन की वजह से, कोज मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं थोड़ा सा डीपली नहीं जाता इतना। तो आपका आंसर क्या जाएगा? इंसुलिन कैसे करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के अंदर लेके जाता है सेल में, उसके साथ क्या होता है? पोटेशियम भी चला जाता है, और बाहर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये बात मैंने बता दी यहाँ पे, इंसुलिन इन्फ्यूजन मूव पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सो इट्स रिजल्ट इनटू हाइपोकैल्मिया, मीन डिक्रीज पोटेशियम इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपको आपको बताया मैंने ट्रिक क्या है, डिच बोलते हैं, ये हाइपोकैल्मिया होने का कारण क्या है? तो डिच का मतलब डीप, और डायरेटिक देंगे तो पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक, जैसे कि लासिक्स होती है, लासिक्स देके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम वो बाहर जाएगा। इसके अलावा I4 होता है इनएडिक्यूट इनटेक ऑफ है पोटेशियम, पोटेशियम का अच्छे से इनटेक नहीं करेगा तो भी क्या हो जाएगा उसको? हाइपोकैल्मिया। टू मच वाटर इनटेक, ज्यादा वाटर इनटेक करेगा तो ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा, ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो क्या होगा? लॉस होगा पोटेशियम। कसिंग सिंड्रोम बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ कसिंग सिंड्रोम? एड्रेनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है इसमें? ज्यादा हो जाता है। कसिंग सिंड्रोम कैसे करेगा? एवरीबॉडी पुट द राइट आंसर, जो मैंने पूछा है कसिंग सिंड्रोम है कैसे करेगा हाइपोकैल्मिया? अरे इतनी देर में तो टाइप करके भेज देते। राइट संतोष कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम के अंदर बच्चे सबसे पहले ध्यान रखना एड्रेनल ग्लैंड का डिसऑर्डर,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उनको अपने कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। और मिनरोकॉर्टिकॉइड मारता है मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम प्लस वाटर का तो क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम प्लस वाटर का तो क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और पोटेशियम का क्या करवाता है, वो एक्सक्रीशन करवा देता है। पोटेशियम का क्या करवा देता है, एक्सक्रीशन करवा देता है, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, जिनकी वजह से बॉडी में पोटेशियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा हैवी फ्लूड लॉस, हैवी फ्लूड लॉस का बोले तो वोमिटिंग या डायरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होने के चांस होते हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? राइट संतोष कुमारी पढ़ने लग गई। संतोष ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को लाइफ प्रोटेक्टिव और मिनरोकॉर्टिकॉइड को लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं अपने। लो जी आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, पोज ऐसे ही नहीं पढ़ा था, इस वजह से पोज पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। अब अगर आपने कॉज नहीं पढ़ा तो क्या आएगा राइट आंसर, ए बी सी डी, वोमिटिंग, पोटेशियम वास्टिंग डायरेटिक, एल्डोस्टेरोन, रिनल फेल्यूर। एवरीबॉडी पुट द राइट आंसर। राइट आंसर क्या जाएगा, अभी पढ़ा था एल्डोस्टेरोन रिलेटेड टू कसिंग सिंड्रोम, पोटेशियम हो गया, वोमिटिंग हो गया, रिनल फेल्यूर के अंदर एक्सक्रीट नहीं होगा बाहर, तो पोटेशियम की कमी नहीं होती, ज्यादा देखने को मिलता है। बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो वीक एंड 30 प्लस देखने को मिलती है, वीक एंड 30 प्लस, क्योंकि पोटेशियम होता है ये नर्व कंडक्शन करने में भी रोल प्ले करता है, और हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन भी किस पे डिपेंड करता है, पोटेशियम पे करता है। और जब जब पोटेशियम का लेवल कम जाता होता है तो ईसीजी में भी चेंजमेंट देखने को मिलता है। पेशेंट लेथार्जी हो जाएगा और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन अकरिंग व्हेन अ पेशेंट अज्यूम अपराइट पोजीशन आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम ए बेड और चेयर, लो बीपी एंड हार्ट रेट देखने को मिलती है, वो कंडीशन कहलाती है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है नहीं करेगा। सिंपल सी मैंने बात बता दी है कि पोटेशियम होता है वो हार्ट की एक्टिविटी, मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने में रोल होता है पोटेशियम और सोडियम का, इसके अलावा कैल्शियम का। इसके अलावा स्केलेटन एंड रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो जाएगी, अगर कंटिन्यू कम जाता है पोटेशियम है तो प्लेसिड पैरालिसिस आ जाएगा, एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस आ जाएगा, डायफ्राम प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो पेशेंट को रेस्पिरेशन होने के, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आने के चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा डिक्रीज बाउल मूवमेंट, मैंने बोला था नर्व कंडक्शन करता है, नर्व कंडक्शन कौन करता है, पोटेशियम करवाता है। पोटेशियम की कमी तो वेगस नर्व की पैरासिम्पेटिक ब्रांच नहीं आएगी बाउल के पास, पेरिस्टालिक मूवमेंट ही नहीं होगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरालिटिक इलियस हो जाएगा, पेशेंट प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। मसल वीकनेस इन लोअर लिम, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया, फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, फर्स्ट मसल वीकनेस इन लोअर लिम, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो सिंपल सिंपल सा बताया मैंने, डिक्रीज बाउल मूवमेंट, मसल वीकनेस इन द लोअर लिम, स्केलेटन रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया असेस बाय नर्स, क्या सिम्टम असेस करा जाता है, सामने आपका आंसर है तब आपको इजी लग रहा है, नहीं तो बड़े बड़े उनका पसीना आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं तब। राइट, मसल वीकनेस इन द लोअर लिम, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया, दैट इज असेस बाय द नर्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन आया बच्चे यहाँ पे, विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम
would be an early indicator that the patient's serum potassium level is below usual. अर्ली इंडिकेटर, अर्ली इंडिकेशन का मतलब है फास्ट इंडिकेशन, अभी बताया मैंने ए बी सी डी यूजर की लैंग्वेज चेंज की है, आंसर सेम जाएगा, तो मोस्टली सभी का यहां पे आंसर सी जा रहा है, तो सी को अपने बाउंड कर देते हैं, राइट आंसर इज द सी। एक क्वेश्चन और आया बच्चे, यहां पे बहुत ये टॉपिक ऐसी नहीं लेके आया, बीच में ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ, तो ये कंप्लीट एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, एनिमा, मसल स्पाज्म, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है कुछ स्मॉल ब्रीथिंग, एब्डोमन डिस्टेंशन, यहां पे कुछ रॉन्ग जाएंगे कुछ राइट जाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, ये होता है बेसिक कंसेप्ट, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना, अभी ऊपर करवा के आया हूं बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्पाज्म का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन है, और हाइपोकैलेमिया है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, हाइपरकैलेमिया होता तो ज्यादा होती। राइट आंसर क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर। कैसे आएगा मैं बता देता हूं बच्चे, आपका आंसर है मसल स्पाज्म नहीं होगा। मसल स्पाज्म का मतलब होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब नॉर्मल लेवल होता है, पोटेशियम का लेवल कम आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे नर्व कंडक्शन कम हो रहा है, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल रिलैक्स देखने को मिलेगी, तभी तो पैरालिसिस आता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस रिलेटेड आया है, अभी तो बोला था पैरालिसिस इलियस हो जाती है, पेशेंट का क्या होता है स्टूल पास आउट नहीं होता, तो क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगी उसके। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकाला था, और लगभग 90% बच्चे इस टाइप की क्वेश्चन है वो गलत करके आते हैं। यहाँ पे ईसीजी है, ईसीजी पे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ईसीजी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपने अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ अपने देखते हैं, आपको ईसीजी का पता होगा PQRST-U, ये वेव होती है नॉर्मली, यू वेव नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, ये बात दिमाग में बिठा लेना, PQRST यही ईसीजी में वेव देखने को मिलती है, PQRST, यू वेव नहीं देखने को मिलती, यू वेव देखने को मिलती है ओनली हाइपोकैलेमिया में। तो यहां पे पिक पी वेव देखने को मिलती है, पिक पी वेव देखने को मिलती है, एंड इनवर्टेड टी वेव देखने को मिलती है, इनवर्टेड टी वेव, ST सेगमेंट होता है। अब आप ECG का डायग्राम मैं बहुत बार बना चुका हूं, और आपको ये ECG का डायग्राम नहीं है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप इमेज ले लेना, मैं आपको करवा दूंगा। ST सेगमेंट डिप्रेशन हो जाए, ST सेगमेंट क्या हो जाए डिप्रेशन हो जाए, तो अब भी क्या देखने को मिलता है, आपको नॉर्मली देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया में, प्रोमिनेट यू वेव देखने को मिलता है। चार बातें याद रखनी है, हाइपोकैलेमिया में पिक पी वेव देखने को मिलती है, इनवर्टेड टी वेव देखने को मिलती है, ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है, और प्रोमिनेट यू वेव देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन बार बार कंप्लीट एग्जाम में आता है बच्चे, तो यहां पे आपको बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया, आपको यहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेशन, ST सेगमेंट डिप्रेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ST सेगमेंट डिप्रेशन, इस टाइप का ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर बात करें बच्चे, अपने मैनेजमेंट की बात करें तो हाइपोकैलेमिया का मैनेजमेंट माना जाता है स्पाइरोलैक्टोन ड्रग को पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक भी बोला जाता है, स्पाइरोलैक्टोन ड्रग को क्या बोला जाता है, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक भी बोला जाता है, इसको अपने एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हार्मोन के नाम से भी है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। काम क्या करता है स्पाइरोलैक्टोन, ये पोटेशियम का तो रिनल ट्यूबुल से तो पोटेशियम का तो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, बाहर जाने नहीं देता,
क्योंकि बाहर से अपने बॉडी से लेंगे तो ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाने देता और पोटेशियम को बाहर जाने नहीं देगा, तो किसको जाने देता है ये? सोडियम और वाटर को एक्सक्रीशन और पोटेशियम का क्या करवाता है ये? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ से? रीनल ट्यूबुल से, किडनी के अंदर जो रीनल ट्यूबुल्स होते हैं PCT, लूपोफेनले, DCD। तो ये स्पाइरोलैक्टोन इज प्रेस्क्राइब, इट एक्ट पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम एक्सक्रीशन। तो पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल धीरे धीरे बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो स्पाइरोलैक्टोन प्रोड्यूस क्या करता है स्पाइरोलैक्टोन है? तो स्पाइरोलैक्टोन हमेशा करता है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम को यह बाहर जाने नहीं देता। आईवी पोटेशियम शुड नेवर बी गिवन बिकॉज इट मे प्रिसिपिटेट कार्डियक अरेस्ट। मैंने बोला था पोटेशियम हमेशा हार्ट के ऊपर काम करता है डायरेक्ट। अगर आपने डायरेक्ट आईवी पोटेशियम दे दिया ना तो कार्डियक अरेस्ट आ जाए, क्योंकि सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, हार्ट जल्दी जल्दी फटफड़ करने लग जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है और पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इफ पेशेंट इज प्रेस्क्राइब लिक्विड ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट ही सी एडवाइज टू डायल्यूट इन ए फुल ग्लास ऑफ वाटर और फ्लूड जूस टू सिप इट स्लोली टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन। अगर ओरल पोटेशियम लिक्विड है तो अपने क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि फुल गिलास के अंदर, जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, तो एक गिलास पानी के अंदर मिला के या वाटर के अंदर या जूस के अंदर अपने मिला के लेंगे, ताकि अदरवाइज क्या करता है, ओरल पोटेशियम हमेशा गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, गैस्ट्राइटिस कर देता है। इसलिए हमेशा जब भी लेते हैं तो स्लो सिप करके धीरे धीरे अपने क्या लिया जाता है, पोटेशियम लिया जाता है। इसके अलावा एडिशन केयर इज टेकन इफ द पेशेंट टेक ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड लाइक डिजिटली बिकॉज हाइपोकैलेमिया इनाज द एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, इनाज द एक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। यहाँ पे बात मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है बच्चे, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। तो आपको पता है नॉर्मली जो डिजोक्सिन लेते हैं ये अपने हार्ट प्रॉब्लम कार्डियक फेल्यूर में लेते हैं, नॉर्मल डिजोक्सिन का लेवल होता है वो कितना होता है, 0.5 to 1.5 mg/dL होता है। तो हाइपोकैलेमिया कैन डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कैसे करता है, ये बात सुन लो अच्छे से, ध्यान रखना बच्चे। जैसे कि आपकी फिंगर है ना, आपके हाथ के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि डायग्राम है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल है नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी फिंगर है ना, ऐसे सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, और आपके जैसे नेल है ना, आपके नेल है ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, इन पे पोटेशियम बाइंड होता है। आपके फिंगर होता है ऐसे सेल के अंदर रिसेप्टर होता है, और इन फिंगर के आगे जैसे आपके नेल है, तो नेल है ऐसे यहाँ पे क्या रहता है, पोटेशियम बाइंड रहता है सेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही अपने डिजोक्सिन लेते हैं तो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है ना, तब ये डिजोक्सिन सेल में जाता है और वापिस आ जाता है और किडनी इसको एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन अगर हाइपोकैलेमिया हो जाए तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो ये रिसेप्टर है जो मैंने बताया फिंगर वाले, ये खाली मिलेंगे, और डिजोक्सिन उसी रिसेप्टर पे जुड़ना पसंद करता है जिस रिसेप्टर पे पोटेशियम जुड़ता है। तो नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होगा तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं होगी। कब होगी, जब पोटेशियम का लेवल कम होगा तो ये रिसेप्टर होते हैं वो क्या मिलेंगे, खाली मिलेंगे, और डिजोक्सिन क्या करेगा, आराम से सेल के अंदर जाएगा और इन रिसेप्टर पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा, तो एक आधा पोटेशियम होता है उनको बाहर भेज देता है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, हाइपोकैलेमिया क्या करता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी करता है। क्यों? क्योंकि हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में सेल के रिसेप्टर खाली मिलते हैं, और उस खाली रिसेप्टर पे क्या जुड़ जाएगा, डिजोक्सिन जुड़ जाता है। अब डिजोक्सिन जुड़ेगा तो ब्लड में तो डिजोक्सिन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि डिजोक्सिन अब एक्सक्रीट नहीं होगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो क्लियर हुआ हाइपोकैलेमिया कैसे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी करता है, ध्यान तो क्लियर है सबको। नेक्स्ट बात देखना बच्चे, यहाँ पे
हाइपोकैल्मिया कैन कोड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये बात समझ में आ गई आपके। दूसरी बात है कि हाइपोकैल्मिया तो करता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, लेकिन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मतलब हो गया 1.5 से लेवल अब जाना डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद हाइपरकैल्मिया कैसे हो जाता है, तो आपको वही बता देता हूं। आपके नॉर्मली जब आपके पास पावर है, आप किसी रूम में जाते हो और वहां पे तीन स्टूडेंट बैठे हैं और आप जाते हो 10 स्टूडेंट, आप तीनों स्टूडेंट को धक्का देके बाहर निकाल दोगे, बोलोगे आपकी सीट पे हम बैठेंगे, तो बाहर आ गए तो बाहर तो उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डिजॉक्सिन रिसेप्टर पे जुड़ना स्टार्ट हो जाता है तो पोटेशियम का बहुमत सेल के अंदर कम होता है और डिजॉक्सिन का क्या हो जाता है, बहुमत ज्यादा हो जाता है। और डिजॉक्सिन क्या करता है, पोटेशियम को पकड़ के बाहर धकेल देता है, बाहर इंट्रासेल्युलर से पोटेशियम क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में आ जाता है, और जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे ध्यान रखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना। हाइपोकैल्मिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैल्मिया, ये बार बार कंप्लीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हाइपोकैल्मिया मतलब पोटेशियम की कमी क्या करवा देती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब होती है, उसी पर्सन के होगी जो अगर वो डिजॉक्सिन ले रहा है, अदरवाइज ये नहीं कि आपके कमी है आपके डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर कोई कार्डियक फेल्यूर का पर्सन है डिजॉक्सिन ले रहा है तो डिजॉक्सिन देने से पहले हमेशा उसका पोटेशियम लेवल चेक किया जाता है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन सिम्टम क्या आते हैं, ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द पेशेंट इज असेस्ड फॉर द इंडिकेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जैसे ही उसके डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो उनका एनोरेक्सिया हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग होने लग जाएगी, ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम है और ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मॉनिटर कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, तो आपने जब भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं तो अपने कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस भी देखते हैं, सोडियम पोटेशियम का लेवल भी चेक करते हैं। लास्ट वाली लाइन तो मैं बता चुका हूँ हमेशा हाइपोकैल्मिया क्या करता है, तो आप बताओगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करती है, तो आप बताओगे हाइपरकैल्मिया करती है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे इफ क्लाइंट इज टेकिंग पोटेशियम लॉन्ग लूजिंग डायुरेटिक लाइक लूप डायरेक्टिव बोले तो क्रूसीमाइड, तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक पोटेशियम सप्लीमेंट एंड पुट हाई इनटू पोटेशियम लाइक बनाना, ऑरेंज, स्पाइनेच, टोमाटो, कैरेट्स एंड फिश टू अवॉइड हाइपोकैल्मिया। ये क्वेश्चन राजकुमारी अमृत कौर मेडिकल कॉलेज में आया हुआ है। अगर कोई पर्सन है वो क्रूसीमाइड टेबलेट ले रहा है तो उसको आप डाइट के रूप में कौन सा ड्रग देना पसंद करोगे, सॉरी डाइट के रूप में कौन सा फ्रूट देना पसंद करोगे, तो मोस्ट कॉमन जाता है बनाना। रिच बात करें सबसे ज्यादा पोटेशियम किस में होता है, बनाना में होता है, ये बात यहाँ रखना। ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली, और कैसे क्वेश्चन आता है आपके सामने डाल रखा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट मेडिकेशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर इन कंजक्शन विद क्रूसीमाइड, ये कह रहा है कि कौन सा सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करोगे जब पर्सन क्या ले रहा है, क्रूसीमाइड ले रहा है। आपको बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी तो बता क्या था, क्रूसीमाइड कैन कोज हाइपोकैल्मिया, और आप क्या करोगे डाइट के रूम में ये बनाना ऑरेंज स्पाइनिश खाने के लिए बोल देते हो ताकि पोटेशियम की कमी ना हो, आपका आंसर क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, ए पेशेंट विद कार्डियक हिस्ट्री इज टेकिंग द डायुरेटिक लास्ट 6 ए सीन इन इमरजेंसी फॉर मसल वीकनेस, विच लेबोरेटरी वैल्यू यू डू असेस फर्स्ट, आप कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू को देखोगे, डी दिखा देंगे लो, तो आपको पता है डायरेटिक कैन कोज हाइपोकैल्मिया, हाइपोकैल्मिया तो सिंपल सी बात है पोटेशियम का लेवल है वो क्या करेंगे चेक करेंगे, पोटेशियम का लेवल है वो चेक करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन निकलते हैं बच्चे, और आपको सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए मोस्टली यहाँ पे आए हुए हैं जितने भी। नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर द क्लाइंट विद ए पोटेशियम डेफिशिएंट, द नर्स रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट डिटरमाइंड
दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग द पोटेशियम डेफिशिएट बिकॉज द क्लाइंट नर्स कह रही है प्रिपेयर द केयर फॉर क्लाइंट विद पोटेशियम डेफिशिएंट। ये कौन सा ड्रग ले रहा है? क्या जाएगा? खा गए ना मात, कान पकड़ के खींचने पड़ेंगे सबके सब। मूर्खों में अभी तो पटाखे है वो तुम्हें कि पोटेशियम स्पाइरिक डायरेटी स्पाइरोलैक्टोन होता है, स्पाइरोलैक्टोन होता है। और स्पाइरोलैक्टोन ये क्या कह रहा है कि उसने रिस्क क्या है कि डेफिशिएंसी होगी। स्पाइरोलैक्टोन कभी भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं करवाता, इंक्रीज करवाता है। ये बात मैं अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगा दोबारा, बड़ी अच्छी तरह से मेंशन की हुई है बात। स्पाइरोलैक्टोन ड्रग आ जाएगा, अभी देखो ये क्या लिख रखा है मैंने। स्पाइरोलैक्टोन ड्रग क्या करता है? हाइपरकैलेमिया करता है। मैंने बोला था स्पाइरोलैक्टोन ड्रग को पोटेशियम स्पाइरिक डायुरेटिक बोलते हैं, इसको पोटेशियम स्पाइरिक डायुरेटिक बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बोला जाता है इसको। ये दो बात मैं आपको अच्छी तरह से बता के आया हूं, गलती मत करो। इतनी गलती करोगे ना तो बिछड़ जाओगे, सिलेक्शन की लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से समझा करो क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछता नहीं भी क्या चांस है यहाँ पे डेफिशिएंसी की जगह इंक्रीज बोल देता तो आप यहाँ पे आपका आंसर ये जाता। नेचोगेट्री सेक्शन करने से आपको वही हो गया, वोमिटिंग हो गई, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, आपको क्या करता है ये सारा का सारा पोटेशियम की डेफिशिएंसी करता है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हाइपरकैलेमिया रहेगा। एसिड बेस बैलेंस भी क्लास में कल आपको कंप्लीट करवा दूं, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। इसके बाद अपने फिर की पॉइंट बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छी तरह से मेंट करना। आज बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना। अगर आपका फ्रेंड है पेंडिंग रह गया क्लास से तो प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है? अच्छी तरह से रिवाइज करना, आराम से रेस्ट मारना। अभी क्लास 9 बज गया आपकी, आराम से खाना पीना करना, आराम से सो जाना। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करो, अर्ली मॉर्निंग। अभी रात के 2-2, 3-3 बजे तक नहीं पढ़ना, ये बात दिमाग में बिठाना। ये ना हो कि रात के तुम 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो